तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम मल्टीवर्स के यूनिवर्स 4 की कहानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये वो यूनिवर्स है जिसमें बू एक गॉड बन चुका है और उसमें बहुत सारी कमाल की ताकतें भी हैं और उसके बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 4 में और ईयर है 778, यानी कि हमारे हीरोज़ को एब्जॉर्व करे हुए बू को करीब 4 साल हो गए हैं और इस बीच उसने बहुत सारी ताकतों को पा लिया है। उसने ना जाने कितने सारे लोगों को एब्जॉर्व कर लिया है और अब उसके पास इतनी सारी ताकतें आ गई हैं कि वो एक तरीके से इस यूनिवर्स का गॉड बन गया है। इन 4 साल में बू लगभग दुनिया की हर चीज़ को सीख गया था और हर चीज़ में सबसे बेस्ट बन गया था। और इस पॉइंट पे आते आते उसकी ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो एक समय पे कई जगहों पर हो सकता है। बू के इस वक्त बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन्हीं पार्ट्स में से एक इस कैसल में रहता है, जहाँ पर वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। बू के कैसल के बाहर लिखा है बू ओमनीपोटेंट गॉड, यानी कि ऐसा गॉड जो हर कुछ कर सकता है, जिसके पास हर तरीके की एबिलिटीज़ हैं और जो हर चीज़ में अच्छा है। बू के कैसल की दूसरी वॉल पर लिखा है कि या तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा या फिर मैं तुम्हें मार दूँगा और लाइन में रहना। इससे पता चलता है कि बू भले ही गॉड बन गया हो पर वो पूरी तरीके से अच्छा नहीं बना है। हम देखते हैं कि बू के कैसल के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक शख्स कैसल के अंदर आ रहा होता है और वहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है। वो शख्स लाइन को देख के बोलता है कि ये लाइन इतनी लंबी है, मैं तो इस लाइन के एंड को भी नहीं देख पा रहा हूँ। पर जब उसे कोई चारा नहीं लगता तो वो लाइन में लग जाता है और कई घंटे बीत जाते हैं। पर वो नोटिस करता है कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो बोलता है कि शायद इस लाइन के एंड में बू होगा, इसी वजह से कोई चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी एक शख्स लाइन तोड़ने की कोशिश करता है। वो लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि महान गोरकोर लाइन में इंतजार नहीं करता। पर जैसे ही वो ये बोलता है उसे एक बहुत ही तगड़ी लेजर आके लगती है और वो वहीं के वहीं मारा जाता है। उसके मारे जाने के बाद सब उसे बेवकूफ़ बोलते हैं, क्योंकि सबको पता था कि अगर कोई लाइन तोड़ने की कोशिश करेगा तो उनके साथ क्या होगा, और गोरकोर को ये बात नहीं पता थी। लोगों को इस लाइन में खड़े हुए इतना समय हो गया था कि उन लोगों को वॉशरूम भी जाने की जरूरत होती है, पर वो लाइन छोड़ के नहीं जा सकती। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं और लाइन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। लोग अपनी विश मांग रहे होते हैं। कई लोग विश मांगते हैं कि वो इमोर्टल होना चाहते हैं, पर बू उन्हें मना कर देता है। एक शख्स आकर बोलता है कि मुझे ताकत की ज़रूरत है ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। बू बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा हार्ट भी प्योर नहीं है, तुम्हारी विश मैं पूरी नहीं कर सकता। इसके बाद अगला शख्स आता है और बोलता है कि मुझे 1000 विश चाहिए, और बू इसके लिए भी मना कर देता है। इसके बाद एक और शख्स आता है, वो बोलता है कि मैं लोगों की नीयत के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उनके दिल में क्या है, और वो इस विश को पूरा कर देता है। वो शख्स वापस जाते आते लोगों के दिलों को पढ़ने लग जाता है। वो बोलता है ये तो कमाल है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। इसके बाद वो दूसरे शख्स को देखता है और बोलता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, पर वो हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम सब के सब बुरे लोग हो। और इसके बाद हम पहली बारी ओमनी गॉड बू को देखते हैं, जो कि अपनी सीट पर बैठा होता है और वो काफ़ी बोर लग रहा होता है। उसके सामने एक शख्स आता है, वो बोलता है कि तुम फिर से आ गए। हम देखते हैं कि ये विडेल है। विडेल बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि गुहान और उसके दोस्त वापस आ जाएं। बू बोलता है विडेल तुम यहाँ पर आना कब बंद करोगी। विडेल बोलती है बू याद करो कि तुम एक टाइम पे अच्छे थे, तुम मेरे फादर के दोस्त थे। बू बोलता है विडेल मैं तुम्हें वापस धरती पर भेज रहा हूँ, और वो एकदम से विडेल को टेलीपोर्ट कर देता है और विडेल वापस धरती पर पहुँच जाती है। इसके बाद एक चूहे जैसा दिखने वाला शख्स बू के पास आता है। वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, मैं यूनिवर्स और हर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। बू बोलता है कि कुकीज़ यहाँ से भागो। आखिर वो शख्स जिसे हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था वो बू तक पहुँचाता है और बोलता है कि लगता है मेरी बारी आ गई। इस शख्स का नाम है होय और इसे हमने ड्रैगन बॉल की मूवी रैथ ऑफ द ड्रैगन में देखा था। वो बू के पास आकर बोलता है कि ऑलमाइटी बू क्या आप इस सील्ड म्यूजिक बॉक्स को खोल सकते हैं। बू होय से पूछता है कि इसके अंदर क्या है। होय बोलता है कि इसके अंदर एक महान हीरो है जिसे इसके अंदर कैद कर दिया गया था। बू ये बात सुन के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर कॉन्सिक्वेंस देखने में मज़ा आएगा। ये लो, मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया। हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से म्यूजिक आ रहा होता है और होय ये देख के हंसने लग जाता है। तभी उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से कोई शख्स बाहर आता है और ये शख्स है टेपियन। जैसे ही टेपियन को समझ आता है कि म्यूजिक बॉक्स से बाहर आ गया, वो एकदम से रुक जाता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। टेपियन बोलता है कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों कर दिया। होय इस बात पर हंसने लग जाता है
और बोलता है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम अपनी जेल से बाहर आ गए। टेपियॉन इसके बाद बू की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बू बोलता है कि पर ऐसा क्यों। टेपियॉन बू से बोलता है कि मैं बॉक्स के अंदर वापस जाना चाहता हूँ। तभी एकदम से आवाज़ आती है कि तुम लाइन में नहीं हो, तुम विश नहीं मांग सकते। तभी एकदम से टेपियॉन को दर्द होने लग जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। होई भी टेपियॉन के पीछे खड़ा था और आधा मॉन्स्टर उसके अंदर से निकलता है। बू ये चीज़ देख के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही टेपियॉन और होई के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है, वो मॉन्स्टर पूरा हो जाता है और एकदम से बू के कासल को तोड़ देता है। इस मॉन्स्टर का नाम है हिल्डेगन मॉन्स्टर। जैसे ही लोगों को ये मॉन्स्टर दिखता है, वो अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं। कई सारे लोगों के ऊपर कैसल गिरने वाला होता है, पर अचानक से ही गिरते गिरते वो कैसल रुक जाता है। बू बोलता है कि जो लोग लाइन में वेट कर रहे थे और अपनी विश मांगना चाहते थे, वो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर हैं। टेपियॉन को होई को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने लगता है मिनोशिया को मार दिया, मैं इस पूरे की पूरे मॉन्स्टर को अपने अंदर प्रिजनर बना लूँगा। ये बोलते बोलते टेपियॉन अपनी फ्लूट बजाने ही वाला होता है, जिससे मॉन्स्टर अटैक ना कर पाए। तभी एकदम से होई बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, हिल्डेगन अटैक करो। मिनोशिया दरअसल टेपियॉन का छोटा भाई था, जिसके अंदर आधा मॉन्स्टर कैद था और आधा मॉन्स्टर टेपियॉन के अंदर कैद था। जैसे ही टेपियॉन ने देखा कि आधा मॉन्स्टर होई के पास है, वो समझ गया कि उसके भाई को मार दिया गया है। हिल्डेगन मॉन्स्टर एकदम से टेपियॉन पर हमला कर देता है और टेपियॉन अपने आप को बड़े मुश्किल से बचा पाता है। टेपियॉन अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हिल्डेगन मॉन्स्टर अपनी फायर का इस्तेमाल करता है। टेपियॉन बड़ी मुश्किल से इस फायर से बच पाता है। वो एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। वो बोलता है कि अगर मुझे कुछ सेकंड मिल गए तो मैं अपनी फ्लूट बजाना शुरू कर दूंगा और ये फिर मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। होई एकदम से चिल्लाता है और बोलता है कि हिल्डेगन जल्दी से उसे पकड़ो। हिल्डेगन टेपियॉन को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है और हर जगह तबाही मचा रहा होता है और टेपियॉन बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहा होता है। वो लगातार अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, इस क्रीचर को मैजिक से बनाया गया है जैसा कि मुझे बनाया गया था, इसे भी एक बूढ़े सॉर्सरर ने बनाया था जैसा कि मुझे बनाया था। हिल्डेगन अभी भी टेपियॉन पर अटैक कर रहा होता है। वो हिल्डेगन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ सकता हूँ। तुम्हें नौकर की ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पहले तुम एक आइडल थे। मैं जानता हूँ कि तुम लाइन में नहीं लगी, पर तुम्हारी विश पूरी करना ज़रूरी है क्योंकि तुम बस शांति चाहते हो। हम देखते हैं कि हिल्डेगन अचानक से रुक जाता है और आखिरकार हिल्डेगन पूरी तरीके से पत्थर में बदल जाता है। टेपियॉन भी इस बात को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। होई अभी भी हिल्डेगन के हाथों में था। वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे हिल्डेगन के साथ क्या हो गया, ये तुमने मेरे हिल्डेगन के साथ क्या कर दिया। तभी हम देखते हैं कि टेपियॉन एकदम से होई के पास पहुंच जाता है और होई बहुत सारा डर जाता है। होई बोलता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, मैं अभी भी एक बहुत ही ताकतवर सॉर्सरर हूँ। टेपियॉन ने अपनी तलवार को पकड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि समय आ गया है कि तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और वो एकदम से होई को बीच में से काट देता है। हम देखते हैं कि बू का कासल फिर से ठीक होने लग जाता है। टेपियॉन ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, कैसल खुद को ठीक कर रहा है। और अब उसे बू की ताकतों में थोड़ा सा विश्वास होने लग जाता है। कई घंटों तक वो लाइन में लगा रहता है और आखिरकार उसका टाइम आ जाता है। बू बोलता है कि बताओ कि तुम्हारी विश क्या है। टेपियॉन बोलता है कि क्या तुम मेरे भाई को वापस ला सकते हो। बू बोलता है कि हाँ ज़रूर। टेपियॉन बोलता है कि क्या सच में, क्या तुम ये बस ऐसे ही कर दोगे। बू बोलता है कि हाँ बस ऐसे ही। आखिरकार टेपियॉन और मिनोशिया दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नए दौर में और एक नई सिविलाइजेशन के बीच। पर अब उनके पास एक दूसरे का साथ है और उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम देखते हैं कि टेपियॉन और मिनोशिया दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हिल्डेगन अब एक पत्थर में बदल चुका है, जिसका मतलब यह है कि वो भी काफ़ी हद तक खुश है। बू ने इसके बाद करीब 1 मिलियन विशेष को और पूरा किया, जिसके बाद वो बोर हो गया। और दोस्तों, इसी के साथ ओमनीगॉड बू की कहानी ख़त्म होती है। फिलहाल इसके आगे कोई भी चैप्टर नहीं है, पर कभी फ्यूचर में अगर इसके आगे कोई चैप्टर आता है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वाने को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो, आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।